हम गुड गवर्नेंस को मित्रों आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों कभी कभी मेरे मन में विचार आता है कि महात्मा गांधी ये राम राज्य की बात क्यों करते थे, क्यों उन्होंने तो देखा नहीं था। लेकिन हमारे देश में जो सेक्युलरिज्म के ठेकेदार है उनका बड़ा प्रॉब्लम है, वो वही चीज समझते हैं जो उनको समझनी हो, वही चीज सुनते हैं जो उनको सुननी हो। एक बार ट्रेन में एक महात्मा जा रहे थे, उसी ट्रेन में एक मौलवी थे, उसी ट्रेन में एक पहलवान था, तीनों ऐसे ट्रेन में सफर कर रहे थे तो बातें चली। तो महात्मा जी ने कहा, देखिए ट्रेन चल रही उसमें जो आवाज आ रही है, ट्रेन की आवाज में भी ईश्वर स्मरण हो रहा है। तो मौलवी ने पूछा, कैसे? तो बोले, मुझे तो सुनाई दे रहा है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, मुझे सुनाई दे रहा है ऐसा। तो बोला मौलवी ने कहा, अच्छा। तो मौलवी ने थोड़ा ट्रेन की आवाज में कान लगाए तो उन्होंने कहा, नहीं मुझे दूसरा सुनाई देता। तो बोले, क्या? हे अल्लाह वाह तेरी कुदरत, ये अल्लाह वाह तेरी कुदरत, ये अल्लाह वाह तेरी। तो पहलवान वहां बैठा था, उसने कहा, मुझे भी सुनाई देता है। बोले, क्या? कर कसरत खा रबड़ी, कस कसरत खा रबड़ी। ट्रेन वही, ट्रेन की आवाज वही, लेकिन एक को एक सुनाई देता है, दूसरे को दूसरा सुनाई देता है, क्योंकि उसके मन का रिसीविंग सेंटर वो होता है। तो मैं ये जो बोल रहा हूं, हमारे सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों को वही सुनाई देगा जो उन्होंने जिंदगी भर सुनने की आदत डाली है। महात्मा गांधी जो राम राज्य की बात करते थे, सेक्युलरों ने अर्थ किया, वो कहते थे राम का राज्य। महात्मा गांधी ने राम का राज्य नहीं कहा है, महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात कही है। और मित्रों गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तब मैं कहूंगा मित्रों एक बार इस राम राज्य की कल्पना क्या है उसका अध्ययन करने की मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं। गांधी को यह बात कहां से सूझी होगी? और कुछ लोगों को तो लगता है राम राज्य की बात करना मतलब सेक्युलरिज्म खतरे में है। अब सेक्युलरिज्म संकट में आ गया। मित्रों मैं कल देख रहा था, अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जो बातें बोलते हैं, न्यूट्रिशन की बात बोल रहे हैं, चाइल्ड यानी बाल मृत्यु दर की बात बोलते हैं, आईएमआर एमएमआर सब बातें बोलते हैं ना, जो आप पॉपुलर टर्मिनोलॉजी सुनते हो। साहब आप देखिए रामायण में क्या बातें हैं और एक शासन कैसा, उसका क्या उदाहरण है। रामायण में लिखा है मित्रों, राम राज बैठे त्रैलोका, हर सिद्ध भय गए सब शोका, बैरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, राम प्रताप विषमता खोई। मित्रों आज सब कहते हैं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कहते हैं शासन कैसा होना चाहिए। मित्रों इसका मतलब क्या है? ऐसा शासन जिसमें विषमता न हो, ऊंच नीच न हो, गरीब और अमीर के बीच भेद न हो, ऐसा शासन होना चाहिए, ये राम राज्य की कल्पना में लिखा है। अब मुझे बताइए कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर ऐसा होने जाए उसको राम राज्य कहे तो कोई कॉम्युनल है क्या? इतना ही नहीं मित्रों, उन्होंने एक जगह पे बड़ा मजेदार कहा है, आज जो चर्चा होती नहीं है माल न्यूट्रिशन वगैरह की, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। शासन में समाज में ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि जनता जनार के बीच परस्पर प्रेम का माहौल हो, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना का जेलसी का माहौल नहीं होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, हरेक को
अपने धर्म का पालन, और धर्म का मतलब हमारे यहां ड्यूटी है, शिक्षक धर्म का पालन करो, मातृधर्म का पालन करो, पितृधर्म का पालन करो, रिक्शा ड्राइवर का धर्म का पालन करो, ये हमारे यहां कल्पना है। अगर आप अपने जो जिम्मेवारी है, अपनी जो ड्यूटी है, उसका अगर पालन करोगे तो हरेक के सुख का उसमें गारंटी है, ये रामराज में कहा है। उन्होंने माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर के लिए रामराज्य में जो कहा गया है, मित्रों महात्मा गांधी को रामराज्य क्यों पसंद आया था, आज भी हमारे यहां माता मृत्यु की दर की चर्चा होती है। उन्होंने कहा था, अल्प मृत्यु नहीं कब नियू पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कब नियू पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कब नियू पीरा, बालकों बालकों माताओं के आरोग्य के प्रति चिंता करने वाली शासन व्यवस्था होनी चाहिए और समाज का व्यवस्था आरोग्य प्रद होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सभी निरोगी हो और बलशाली हो और शरीर सुंदर सौस्वस्थ वाला हो, ऐसा समाज की रचना करने का काम शासन का और शासन व्यवस्था का होना चाहिए। ये उन्होंने शिक्षा के संबंध में रामराज में क्या कहा था, मैं सारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ही बोल रहा हूं, और चीज को हाथ नहीं लगाया। एचडीआई जो आज पश्चिम की दुनिया जो एचडीआई की बात करती है, उस एचडीआई की मैं बात आपको समझाना चाहता हूं। रामराज में कहा है, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। सिर्फ हमारे यहां तो अभी क्या कहते हैं भाई, सबको अक्षर ज्ञान दो, पढ़ना लिखना आता है। रामराज्य में क्या कहा था, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। शिक्षा पर इतना भार था कि हर नागरिक पंडित बनना चाहिए, वहां तक उसकी शिक्षा होनी चाहिए, नर हो या नारी हो। आप कल्पना कर सकते हो, आज जो समाज में सो कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की चर्चा होती है, उसके जो मूलभूत आधार है वो रामराज्य में पूरी परिभाषित तुलसीदास ने उस जमाने में की हुई है मित्रों। और तभी मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के मन में ये जो कल्पना आई थी मित्रों, ये कल्पना का कारण भी यही था और इसी के कारण महात्मा गांधी ने कहा था। मित्रों कुछ बातें हैं जो रिफॉर्म होनी चाहिए गवर्नेंस में।